हैं और युवक कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2016 और शिक्षक भर्ती परीक्षा में नियुक्तियों में मनमानी और पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। युवकों ने नियुक्तियों में धांधली का भी आरोप लगाया है। इस दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थी युवकों का समर्थन करने पहुंच गए हैं। युवकों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक वो टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे। तो फर्स्ट इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि यही वो 6 युवक हैं जो कि पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं और सुबह से ही ये लोग यहाँ मौजूद हैं और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगों पर अमल नहीं होता है तब तक ये टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे। हालांकि कई लोगों का इन्हें समर्थन भी मिला है क्योंकि पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में इन्होंने मनमारी का आरोप लगाया है। इन्होंने कहा है कि धांधली की गई है, पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता है और इसी को लेकर इन लोगों की नाराजगी है। हालांकि पहले खबर ये सामने आ रही थी कि प्रशासन का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा था, लेकिन फिलहाल की स्थिति क्या है इसको जानने के लिए अपने सहयोगी का भी रुख करेंगे। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सुबह से ही ये युवक पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं और अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, फिलहाल स्थिति वहां क्या, क्या अभी भी युवक टंकी पर ही चढ़े हैं? हाँ रितु, आपको बता दूं कि यहाँ जो हालात है वो काफी तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। 6 जो अभ्यर्थी है, युवा है, वो सुबह 4 बजे से टंकी पर चढ़े हुए हैं। पुलिस का यहाँ भारी जाब्ता तैनात कर दिया गया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर और कई पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे। साथ में जो वंचित अभ्यर्थी है और उनके जो समर्थक है वो टंकी के नीचे बड़ी संख्या में एकत्रित होकर नारेबाजी कर रहे हैं और इनके समर्थन में नियुक्तियों की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मिनी सचिवालय के जो मुख्य प्रवेश द्वार है अंदर जाने के, वहां पर पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया है और इनके और जो समर्थक है, वंचित अभ्यर्थी है जो यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं सूचना पर, उनको बाहर रोका जा रहा है। संजय, क्या इन लोगों को टंकी से नीचे उतारने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई पहल? यहाँ पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमेंद्र नागर ने इन युवकों के साथ बातचीत की है और उनका कहना है कि जो भी मामला है जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से संबंधित है, उनसे बातचीत कर समस्या का हल निकाला जाएगा। लेकिन जो अभ्यर्थी है उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले भी इस विषय में कई बार बातचीत हो चुकी है लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। तो पूर्व उप जिला प्रमुख रामलाल मीणा जो है कांग्रेस के नेता, उनकी ये मध्यस्थता चाहते हैं और उनको बुलाने की मांग कर रहे हैं, उसके बाद ही किसी तरह की वार्ता यहाँ पर संभव हो पाएगी। रितु, चलिए शुक्रिया आपका संजय इस जानकारी के लिए। तो फर्स्ट इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया गया है इन युवकों की तरफ से और इनकी मांग है कि इसमें निष्पक्षता हो और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि जब तक इनकी मांगों पर अमल नहीं होता है तब तक ये टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे।